नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया और आपका मैं स्वागत करती हूँ अगली वर्सेस प्रीटी विद प्रिया एपिसोड 1 में। और मेरे साथ है इस एपिसोड में प्रिया मलिक, इंडियन ब्यूटी यूट्यूबर। दर्शकों, आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम घर में ही अपने रूखे सूखे बेजान बालों को शाइनी, स्मूथ और सॉफ्ट बना सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। आज हमारे साथ प्रिया हैं, ये हमें कुछ आसान तरीके बताएंगी, साथ ही आपके बाल ड्राई डैमेज क्यों हो जाते हैं इसके कारण भी हमारे साथ डिस्कस करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी रिया, आज मैं दर्शकों को वन इंग्रेडिएंट होम रेमेडी बताऊंगी, यानी कि एक ऐसी होम रेमेडी जिसमें आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट यूज़ करना है और उससे आप अपने अगली बालों को प्रिटी बना सकते हैं। यानी कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज और फ्रिजी हैं तो आपके लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। प्रिया, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों का भी पहला यही क्वेश्चन होगा कि हमारे बाल इतने अगली क्यों दिखते हैं, मतलब कि हमारे बाल इतने ज़्यादा ड्राई, डैमेज और फ्रिजी क्यों हो जाते हैं, इसका कारण क्या होता है, प्लीज़ आप हमें बताएंगी? हाँ रिया, ड्राई, डैमेज और फ्रिजी बाल होने के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, कारण होते हैं। जैसे कि पहला कारण होता है वेदर पोल्यूशन। अगर वेदर चेंज हो रहा है, समर से विंटर हो रहा है, रेनी सीजन हो रहा है, तो इससे भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी होने लगते हैं अगर हम ध्यान नहीं देते बालों पे। और दूसरा कारण आप कह सकते हैं हार्मोनल चेंजेस, और होता है यूजिंग रॉन्ग शैम्पू या कंडीशनर, हेयर प्रोडक्ट आप अपने बालों के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक मेन कॉज है। और आप ये भी कह सकते हैं एक्सेसिव वॉशिंग, यानी आप बालों को ज़्यादा ही धो लेते हैं तो इसकी वजह से भी बालों में जो नेचुरल ऑयल होता है वो चला जाता है, इससे बहुत ज़्यादा हमारे बाल ड्राई, डैमेज होने लगते हैं। और अगर आप और ज़्यादा कारण पूछें मेरे से, तो मेनली आजकल जैसे आप हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं उन्हें यूज़ करने से बचें, उनकी वजह से भी ड्राई होने लगते हैं बाल। और हेयर कलरिंग, डाई, ब्लीचिंग, इनसे बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज हो जाते हैं। स्मूथिंग कराते हैं लोग, स्ट्रेटनिंग कराते हैं, उससे काफ़ी होते हैं। और मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। और मैं ये भी बोलूँगी, मेन कारण ये भी है, कभी कभी हमारे बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज होने लगते हैं। और डिहाइड्रेशन सबसे मेन कारण, डिहाइड्रेशन से तो पूरी बॉडी की स्किन ही ड्राई होने लगती है, तो बाल क्या चीज़ है। ओहो प्रिया, आपने तो ऐसे कारण बताए जिनको हम कभी देखते भी नहीं है, कभी इन पे ध्यान भी नहीं दे सकते। क्यों दर्शकों, मैं सही कह रही हूँ ना, ऐसे कारण जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते और जिसकी वजह से हमारे बाल इतने ज़्यादा खराब और अगले दिखते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए प्रिया, प्लीज़ हमें आप ये बताएंगी? जो मैंने कॉजेस बताए हैं उनको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, वेदर एक बहुत बड़ा कॉज होता है हमारे बालों को ड्राई, डैमेज, फ्रिजी बनाने के लिए। तो जैसे कि विंटर आया, समर, मॉनसून, तो इनके अकॉर्डिंग आप हेयर केयर रूटीन को चेंज करें। ऐसा नहीं होता है कि एक हेयर केयर रूटीन आप पूरे साल फॉलो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हेयर केयर रूटीन आप समय के साथ चेंज करते रहें तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, आपके बाल हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बने रहते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताई है, हीटिंग टूल्स से दूर रहें, जब ज़रूरत हो तब यूज़ करें उनको, और एक्सेसिव हेयर वॉशिंग भी ना करें। जैसे कि मैंने कहा, बालों के अकॉर्डिंग आप हेयर वॉश करें, यानी कि जब ऑयली हेयर होते हैं तो वीक में 3 बार, ड्राई हेयर है तो वीक में 2 बार, ऐसे आपको करना चाहिए। ज़्यादा आप, जैसे कुछ लोग होते हैं रोज ही अपने बालों को धो लेते हैं, तो उससे नेचुरल ऑयल बालों का चला जाता है जिससे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। और बालों के अकॉर्डिंग शैम्पू यूज़ करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, यहाँ तक कि स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जूसेस पीने चाहिए, फ्लूइड पीना चाहिए, लिक्विड लें ज़्यादा, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात है, अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ, हेल्दी डाइट लें, जिसको हम बोलते हैं वेल बैलेंस्ड डाइट। तो उससे जब आपके बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें जाएंगी, तो जैसे कहते हैं ना, पौधे को पानी दो, मैन्योर यानी खाद दो, तो वो ग्रीन होता है, बड़ा होता है तेज़ी से। उसी तरीके से जिस चीज़ को हम खाते हैं वही हमारे बालों में दिखाई देती है, वही हमारे स्किन पर दिखाई देती है। तो अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपकी स्किन के साथ साथ आपके हेयर भी खूबसूरत हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ठीक कर लें तो आपके बाल भी खूबसूरत बन सकते हैं, यानी कि अगली से प्रिटी बन सकते हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बताया प्रिया, मगर हमारे दर्शकों को या मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो अगर अपने बालों को सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाने की, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए?
अगर आप अपने बालों को जल्दी ठीक करना चाहते हैं, यानी कि ड्राई फ्रिजी हेयर से बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगी आपको करनी है ओनली 3 चीजें। पहली तो ये है, आपको वीक में कम से कम अपने बालों में तेल जरूर लगाना है। मैं बहुत सारे होममेड हेयर ऑयल बताती हूँ अपने चैनल पे, आप वो लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोकोनट ऑयल ही आप लगा लें, वो भी आपके बालों में फायदा दिखाएगा। तो हफ्ते में एक बार आपको अपने बालों में ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। दूसरी चीज, हफ्ते में एक बार आपको हेयर मास्क लगाना चाहिए, यानी कि DIY मीन्स होममेड हेयर मास्क लगाना चाहिए अपने बालों में, वो बहुत ज़्यादा फायदा देता है। मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ, अगर हफ्ते भर में भी नहीं हो पाता तो 15 दिन में तो आप एक बार ज़रूर लगाएं। और तीसरी चीज़ ये है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज और फ्रिजी हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग शैम्पू लें, कंडीशनर लें। जो मार्केट में शैम्पू मिलते हैं स्पेशली ड्राई डैमेज हेयर के लिए, वो यूज़ करें तो वो फ़ायदा देंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग तो मैंने ये भी देखा है सोप यूज़ करते हैं बालों के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो बालों के अकॉर्डिंग शैम्पू चूज़ करें तो बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। ओके प्रिया, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो कौन सी ट्रिक्स और टिप्स हैं जिसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, कि एक इंग्रेडिएंट यूज़ करके हम अपने बालों को शाइनी, सॉफ्ट और स्मूथ बना लें, और साथ ही हम लोग के पास इतने ज़्यादा बिजी होते हैं आजकल की लाइफस्टाइल में, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ सकें। तो आप प्लीज़ जल्दी से वो ट्रिक्स और टिप्स बता दें। अगर मैं वन इंग्रेडिएंट टिप की बात करूं, तो सबसे पहले अगर ड्राई, डैमेज, फ्रिजी हेयर की बात आती है, तो मुझे दिमाग में सबसे पहले ये आता है दही, यानी कि कर्ड, जिसे आप योगर्ट भी कहते हैं। तो दही यूज़ करनी चाहिए रूखे सूखे जो लाइफलेस हेयर हो जाते हैं उनके लिए। होता क्या है, दही में होता है लैक्टिक एसिड, विटामिन B12, प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, हमारे बालों की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है, और जब वो ख़राब हो जाती है तो हमारे बाल ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। तो उसको प्रोटीन से ही ठीक किया जाए तो अच्छा है। तो आपको क्या करना है, दही लेनी है, दही को अगर खट्टी दही हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर उसमें नमक, मिर्च, चीनी कुछ नहीं, प्लेन दही लेनी है। उसको आप हल्का सा लिक्विड कर लें, यानी पानी ऐड करके हल्का सा लिक्विड कर लें, ज़्यादा थिक दही नहीं लेनी है। फिर उसको सिंपली आपको अपने बालों में लगाना है शैम्पू करने से आधा घंटा पहले, यानी कि 30 मिनट तक आपको अपने बालों में दही को रखना है। अच्छे से स्कैल्प पे लगा के ऐसे से मसाज करें, फिर हेयर लेंथ पे लगाएं और 30 मिनट तक के लिए रख लें। उसके बाद आप शैम्पू कर लें, देखिए आपके बाल कितने ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। क्योंकि दही मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, और बचपन में हमारी मम्मी जो होती थी वो हमेशा दही होती थी, जो खट्टी दही दूसरे दिन की बची हुई वो बालों पे लगा देती थी, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, साथ ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी चली जाती है। और दूसरे इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ, मैं कहना चाहूँगी एलोवेरा। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा मैजिकल प्लांट है, जिसको आप बोल सकते हैं स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड मिलता है, जो बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और बहुत ही अच्छे से आपके बालों को मैनेजेबल भी बनाता है, सॉफ्ट स्मूथ बनाता है। तो एलोवेरा में आपको क्या करना है, वन इंग्रेडिएंट की बात हो रही है तो यानी एलोवेरा को लेना है। आप चाहे तो नेचुरल एलोवेरा लीफ से निकाल के उसको आप मिक्सी में पीस लीजिए और उसको अपने बालों में लगा लीजिए, जैसे आप हेयर मास्क लगाते हैं, और उसको भी आपको आधे घंटे के लिए छोड़ना है, फिर आप शैम्पू कर लीजिए। या फिर मार्केट वाला जेल मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिए उसमें केमिकल नहीं होने चाहिए। तो एलोवेरा से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा अगली से प्रिटी बन सकते हैं। और अगर मैं थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट की बात करूं, वैसे तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाते हैं, मगर आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की। आप पहले इन्हें ट्राई कर लें, फिर आगे आने वाले एपिसोड में हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट करके बताइएगा। तो तीसरे इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं, वो है मिल्क, यानी कि दूध। जी हाँ, मैं दूध की बात कर रही हूँ, आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, आप मिल्क से भी अपने बालों को शाइनी बना सकते हैं। वो कैसे, मिल्क में भी विटामिन B12 और बहुत अच्छी मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है, जैसे दही में मिलता है। तो इसी तरीके से अगर आपको दही नहीं मिल रही है तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपको यहाँ कच्चा ठंडा दूध लेना है, गर्म दूध नहीं, ना बॉयल्ड दूध। आपको सिंपल, जैसे ही आप दूध लाते हैं उसको आप एक कप अलग कर लें, उस एक कप मिल्क से अपने बालों को धो लें। धोने के बाद जब हल्का मिल्क उसमें रह जाएगा तो उसको ऐसे ही 30 मिनट तक के लिए रहने दें और फिर शैम्पू कर लें, जैसे नॉर्मली आप करते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है बालों को। तो अगर ये सारी रेमेडीज़ में से आपको एक रेमेडी करनी है, यानी कि कोई एक इंग्रेडिएंट यूज़ करना है 1 मंथ तक के लिए, और ऐसा आपको करना है वीक में एक बार,
यानी कि कोई भी इंग्रीडियंट आप ले लीजिए, एलोवेरा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पूरे एक महीने तक सिर्फ एलोवेरा यूज़ करें, ये नहीं है कि आप चेंज कर करके चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक टाइम पे एक ही इंग्रीडियंट यूज़ करना चाहिए। तो एलोवेरा जैसे यूज़ कर रहे हैं तो हर वीक आप यूज़ करें उसको, जिस तरह मैंने बताया, और एक महीने तक करें, तो देखिए आपको कितनी जल्दी आपके बालों में फ़ायदा नज़र आता है और आपके बाल भी सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ और मैनेजेबल बन जाते हैं। वाओ, इतने ज़्यादा इजी ट्रिक्स और टिप्स आपने बताए हैं जिनको मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से हम अपने बालों को इतना खूबसूरत बना सकते हैं। मैं तो ये ट्रिक्स ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ और अपने दर्शकों से भी कहूँगी कि इनको ट्राई करें और फिर जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं, जिससे कि और दर्शकों को भी मालूम चल सके कि हाँ ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके भी हैं कुछ क्वेश्चंस तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम अपने आने वाले एपिसोड में आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, वो भी इजी तरीके से। हाँ रिया, कमेंट ये लोग ज़रूर कर सकते हैं, अगर आपको भी कोई परेशानी हो रही है किसी चीज़ से रिलेटेड आप कमेंट करें, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपके क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर हो सके तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हमें अपनी एक फ़ोटो भेज सकते हैं, फ़ोटो के साथ हम नेम लेंगे आपका और इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, अपनी एक फ़ोटो भेजिए मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे, मैसेज बॉक्स में भेज दीजिए और अपना एक क्वेश्चन भेज दीजिए। तो उसके साथ ये बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप चाहते हैं इस एपिसोड का हिस्सा बनना तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें या इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं आपके क्वेश्चन का इंतज़ार कर रही हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा हो, अगली वर्सेस प्रीटी विद प्रिया, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, यानी इस एपिसोड को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हम अगले एपिसोड में फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और अच्छे से ईजी से सोल्यूशन लेके आएंगे विद प्रिया के साथ। तो तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, नमस्कार, बी हेल्दी, बी ब्यूटिफुल।